मान क्या हाल चाल है क्या हो जा ठीक हो अलहमदिल्ला मान uh, आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब बट बट नॉट पंजाब यस नॉट द पंजाब जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे है जो दूसरी साइड पे है बिकॉज अभी रिसेंटली वहाँ पे कुछ काफ़ी अजीब एक्टिविटी कह लो हुई है एक सिविल राइट्स लीडर आप कह लें है उनका जिसको अरेस्ट किया गया है बहुत इंटरनेशनल मीडिया में भी इंडियन मीडिया में भी इसके बारे में शोर मचा हुआ है शायद हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस को इन चीज़ों का ना पता हो बट हम ये डिस्कशन ले के आने वाइल्ड मेंशन तो हुआ है हमारी न्यूज़ के ऊपर बट ऐसे सच एस कोई थोड़ा कवरेज नहीं मिली इस चीज़ को बिकॉज आई डोंट थिंक ये uh, हमारी न्यूज़ मीडिया के ऊपर इतना वर्थ वाइल्ड डिस्कशिंग सब्जेक्ट क्योंकि हमारे अपने खुद हाल हुए इस वक्त सेक्शन वन फ़ोर भी लगा लाहौर के अंदर एंड आजकल तो आपको पता ही क्या हो रहा है mm -hmm. सिमिलर सिचुएशन है नथिंग अन नोन टू पाकिस्तान या पाकिस्तानीज जो इंडिया में हो रहा है कि एक सिविल राइट्स मूवमेंट का लीडर है वो कुछ डिमांड्स कर रहा है आ, अपनी कॉम के लिए स्पेसिफिकली एक एथनिक लाइन्स के ऊपर या प्रोवेंशल लाइन्स के ऊपर वो डिमांड्स कर रहा है उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के अतबार से उसके कुछ पार्टी वर्कर्स के ऊपर अमृतपाल सिंह है इसे कुछ पार्टी वर्कर्स के ऊपर फॉल्स एफ की गई अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम्स वारिस पंजाब दे के क्लेम्स उनको कम्बैट करने के लिए अजनाला पुलिस स्टेशन पे इन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस का एक्ट शो किया उसके रिस्पॉन्स के अंदर इनके खिलाफ एफ़ आई आरस आ गई कि भाई देर ट्राई टू अटैक अ पुलिस स्टेशन एक्स वाई जी ए बी सी तो अब जो है सताईस मिलियन जो लोग हैं पंजाब के उनका इंटरनेट बंद है दिस इज़ द रिजल्ट और छः दिन से पाँच दिन से वो क्लेम कर रहे हैं कि साढ़े छः फुट का आदमी अमृतपाल सिंह उनको मिल नहीं रहा और वो पता नहीं नेपाल भाग जाएगा या वो यूपी से इधर निकल जाएगा या वो हरियाणा के थ्रू कहीं निकल जाएगा और दूसरी तरफ जो क्लेम है जो सिख कम्यूनिटी कर रही है जो इंटरनेशनल डायस्पोरा में सिख डायस्पोरा में बात हो रही है कि नो दे हैव हिम ही इज़ इन यूपी वहाँ जेल के अंदर है और उसको असाम के अंदर स्पेसिफिकली और उसको वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है Uh, और ये सब एक ड्रामा रचाया जा रहा है पब्लिक uh, कंजम्पशन की खातर और एक वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए बिकॉज समटाइम्स इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम दम फर्स्ट ये बड़ा कॉमन प्रिंसिपल रहता है के अंदर um, uh, जो क्लेम्स हैं मेनली वो ये हैं कि ये एक आउट ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स प्ले बुक है जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई की थी और वो एक किस्म का इनका तीस चालीस साल से एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका हुआ जहाँ पे इन्होंने सारी ये पॉलिसियाँ परफेक्ट और होन की हैं कि जी ट्रबल्सम सूबों को जो इंडियन नेशनल आइडेंटिटी के साथ शायद सहमत नहीं है उनको काबू कैसे करना है और उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स को किस तरह से कर्ब और कंट्रोल करना है और एट द दर्स सुनहरी माफ़ करे कि कोई किस्म की एक, एक किस्म की ऑलमोस्ट एक जेनोसाइडल सिचुएशन क्रिएट कैसे करनी है कि वो डर के मारे हिम्मत हार के यू you नो know, हथियार फेंक दें या अपनी राइट्स को फोरगो कर दें या सेकेंड क्लास सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लें अच्छा इसको थोड़ा कॉन्टेक्स देने के लिए आ, इंडिया जो है आई थिंक अक्सर लोग भूल जाते हैं कि इंडिया बहुत ही एक बड़ा और डाइवर्स रीजन है बहुत बड़ा और यहाँ पे बहुत डिफरेंट किस्म की एथनीसिटीज़ और रिलीजनस और ये सारे घुल मिले हुए हैं जो करंट लीडरशिप है इंडिया की इट सीम्स के उनका उनकी ख्वाहिश है कि एक नेशनल आइडेंटिटी हो जो सब लोग एक्सेप्ट करें अक्रॉस बोर्ड जी, जी, जी जो सुप जो सुपरसीड कर दे और कैनिबलाइज कर दे ऑल अदर लोकल आइडेंटिटीज़ को इवन विद इन हिंदुज़म सो फॉर एग्जांपल दी जो इल्ज़ाम है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है जो कि एक ब्रह्मानिकल रूल की एक सिंबल बन गई हुई है कास्टिज्म की बिल्कुल एक ना एक, एक टोटम बन गई हुई है उसमें ये आइडिया कि हिंदूज़ भी कोई सिक्योर हैं तो ये ऐसी बात नहीं है जो ड्रविडियन नैरेटिव है जो साउथ के लोगों का नैरेटिव है वो उसके भी ख़िलाफ़ हाथ धो के बैठे हुए हैं कि तुम मत कहो नो ड्रविडियन नो आर्यन वी आर ऑल इंडियन मतलब नहीं यार एक एथनिक हमारी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी या आर्य और लोग हैं इंडो आर्यन जिनको कहते हैं ड्रविडियन लोग और हैं दे आर द कोटन कोट ट्रू नेटिव ऑफ इंडिया बट ये सारी ये सारी चीज़ें जो है ना एक नेशनलिज़म के सामने ना ये स्टीम रोल हो जाती हैं आइडेंटिटीज़ फॉर अ वाइल बट तीस चालीस पचास साल के अंदर वापस उभर के आती हैं और वो नेशनलिज्म जो होता है वो खाड़ के साइड पर फेंक दिया जाता है क्योंकि तो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसको लॉन्ग टर्म और ये सबसे ज्यादा पुशबैक जो इनको मिल रहा है इस नेशनल आइडेंटिटी का इज़ इट फेयर टू से कि वो ये पंजाब की तरफ से मिल रहा था इट इज़ फेयर टू से टॉप थ्री तो यू नो प्लेस लाइक नागालैंड फॉर एग्जाम्पल उनकी तो कम्प्लीटली डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी है टू इंडिया मतलब टू कोट कोट हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाला जो इंडिया नागालैंड किधर है नागालैंड के उस तरफ वाले बॉर्डर पे चाइना वाली साइड पे वो एक कम्प्लीटली लाइक like, वो, <laughs> वो, पता ही नहीं लगता कि वो इंडिया कैसे है यू नो दे आर यू नो जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट हैं वो सांप पत्थर हर चीज़ खा जाते हैं मज खाते हैं वो गाय खाते हैं पत्थर भी खाते हैं नहीं, पत्थर, दिन पत्थर भी खाते हैं दे रिलीजन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इट्स अ काइंड ऑफ लोकल एनिमिज़म उनका अपना मज़हब है खैर बट आई वुड से पंजाब और कश्मीर अवर द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक और दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं बाय द वे और कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं दोनों पंजाब और कश्मीर इंतहाई जो है ना वो लोहे का चना बने हुए थे सख्त कस्म का इंडियन गवर्नमेंट के लिए और ये कोई नई फिनल नहीं है बाय द वे दिस आइडिया डेट कोई हिंदुत्वा आइडियालॉजी या बीजेपी या आर एस एस का स्पेसिफिक कोई भड्डा है पंजाब के साथ दिस इज़ नॉट ट्रू सो कॉल्ड जो सेकुलर गांधी पार्टी है द कांग्रेस उन्होंने भी यही कुछ उनके मिसाइल रहे हैं विद सिख पॉलिटी और पंजाबी पॉलिटी और कश्मीर में भी जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं और मसाइल हुए उनके टाइम में भी माशाल्लाह पूरे पूरे हुए हैं तो अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें तो खालिस्तान एज एन आइडिया अपियर करता है प्राइमरली नाइनटीन अब सिक्स क्लेम के खालिस्तान एज एन आइडिया इज मच मच ओल्डर यानी उनके रिलीजन के अंदर एम्बेडेड है खालिस्तान इज द आइडिया कि इनका अपना अलग से होमलैंड होना चाहिए खालिस एज एन प्योर और स्तान land, land पाकिस्तान. पाकिस्तान. तो इसके ऊपर इंडियन मेन स्ट्रीम न्यूज़ के अंदर जो बहुत स्टेट नैरेटिव को पुश कर रहे हैं और इवन जो उनके ऑनलाइन यूज उनकी जो उनकी डिजिटल स्पेस के अंदर जो मेन स्ट्रीम उनके आ, उनको आई आई सेल कहते हैं मजाक से इनके या गोदी मीडिया के आई सेल जो है इनके कहते हैं मजाक से जो जोशोर हमारी कमेंट्स में आएंगे गालियाँ भी देंगे हमें बुरा भला भी कहेंगे औरंगजेब का बेटा बाबर का बेटा <laughs> इस तरह की बातें उन्होंने करनी होती हैं हालांकि मैं राजपूत हूँ और तुम सही है दो यानी yes. हम जेनेटिकली अनलाइकली हैं कि हम औरंगजेब से या कोई बाबर से कोई रिश्तेदार रखते हैं बहरहाल उन्होंने क्लेम ये किया था कि नाइनटीन फोटीज़ के अंदर पहली बार जब ब्रिटिश एम्पायर की कलेब्स हो रही थी तो एक खालिस्तान मूवमेंट की डिमांड थी कि खालिस्तान एक सेपरेट सिख होम लैंड होनी चाहिए कायद अजम की भी अटैम्प्ट थी नगोशिएशन थी इनके साथ टू ट्राई टू इस्टेब्लिश विद इन विद द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड द सिक्स ऑफ इंडिया के वो कोई टुगेदर अपने एक कोई मुल्क बना ले या को लें या कोई सेपरेट होम लैंड सिख्स के लिए बन जाए एट दैट टाइम सिख लीडरशिप वोट सहमत नहीं थी वो दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू कायद अजम्स डिमांड या वो उस वक्त प्रोडिक्ट कर पा रहे थे तो कायदे अजम ने फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी स्पेसिफ़िक बात की थी कि राइट नाव यू आर सींग दिंदूज एज योर को स्लेवस बट द मोमेंट दे बिकम द मास्टर्स यू विल बिकम द स्लेव यानी गोरों के नीचे तो हम सारे कट्ठे ग़ुलाम थे बट एक अंडरलाइंग ब्राह्मणवाद यू नो एक कास्टिस्ट किस्म की सोच छुपी हुई थी वे दी ब्राह्मणिकल रूल वो चार पाँच हजार साल से डेस्परेट था टू कम बैक इन टू शॉर्ट ऑफ वो जो इस माशरे को चला रहा था सब कॉन्टिनेंट के उनकी जखड़ा हुआ था उन्होंने तो सिक्स डि डॉट रियलाइज दैट मास्टर तारा सिंह वगैरह जो उनकी लीडरशिप थी उन्होंने कायदेजम को बुरा भला कहा पाकिस्तान मूवमेंट के खिलाफ हुए यू नो दे दर्न फ्लैग एंड दैन दबसिक्वेंट मिस यूज़ ऑफ सिक्स एट हैंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वो तो वाजे द टाइम ऑफ पार्टीशन कितनों को मरवाया कितनों को उनसे मरवाया जो पागलपन मचा हुआ था बोट साइड बॉर्डर पर पाकिस्तान ही मुस्लिम की तरफ से और जो माइग्रेटिंग सिक्स थे उस टाइम पर उनकी तरफ से कतले आम की ऐसी मिसाल है ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं मिलती और लेकिन ये लोग इकट्ठे रह रहे थे पंजाब के अंदर शेयर्ड कल्चर था इन लोगों का इवन जो अफगानी सिक्स जो होते हैं जो खैबर तक थे अटक वगैरह में पेशावर वगैरह में उनका एक पठानों के साथ शेयर्ड कल्चर था तो अक्सर बताता है अपने गाँव की एक स्टोरी के वहाँ मेरी दादादी तो शी वुड ऑलवेज से आ, मैं पोटोहार प्लेटू का बाय द वे पोटोहार रीजन का हूँ पिंडी के करीब मेरा गाँव है तो वो दादी तो मेरी कहती थी हमेशा कि मेरी फलानी कौर फलानी नीलम कौर दीप कौर फलानी कौर मेरी सहेलियाँ चली गई शी वुड बी वेरी सैड अबाउट इट इनफैक्ट के इनिशियल वेव के अंदर लेडीज़ की कोई क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं थी सेम जिस तरह इंडियन साइड पे ख़वान का बड़ा थ्रेट होता था औरतें उठा लेते थे सिख या कोई हिंदूज़ यहाँ पे मुस्लिम से ख़तरा होता था कि वो लेडीज़ को उठा लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे अपने पास रख लेंगे तो सिख खात को मेरी दादी के पास ही काफ़ी ज़्यादा रही थी इनकी सहेलियाँ और जेंट्स जो हैं मर्द हजरात जो हैं वो पहले इंडिया गए थे फिर उसके बाद लेडीज़ गई इवेंचुअली जब सेफ़ हो गया फ्यू ईयर्स के अंदर और फिर सिक्सटीज़ के अंदर वापस आई लेडीज़ लेट फिफ्टीज एर्ली सिक्सटीज़ के अंदर कि भाई वो मेरी फलानी मज सी तो मेरा वो मेरा वो, वो, वो वाले कपड़े सन थे मेरे वो एंड वो सारा हिसाब बराबर करके तो वो फिर इवेंचुअली दे लेफ्ट तो देर इज़ अ वेरी डीप रिलेशनशिप जो इस एरिया के अंदर था वो लेडीज़ तो मेरी नानी भी बताती थी कि लेडीज़ कहती थी कि हम तो छलांग लगा देंगे कुओं में तो उनको ये मना करती थी तो बोथ उन मई नानीज़ विलेज एंड मई दादीज़ विलेज इट वॉज अ केस वेयर लेडीज़ हैड टू गिव प्रोटेक्टिव कस्टडी टू देयर सहेलियाँ अपनी दोस्तों को बिकॉज एक बहुत क्योटिक सिचुएशन बनी हुई थी ट्रेनें जो आती थी इंडिया से मुसलमानों की उनमें सिखों ने बनते थे जब किए हुए आप खुद जो है आपके आप एक हिजरत करके आपकी फैमिली आई नानी बताती होती है कि उनके जो वालिद थे वो उनकी आंखों के सामने कत्ल हुए थे जी और सिख तो बैंड वो ग्रुप्स और एक, एक, एक पागलपन था वाटर अंडर ब्रिज वाला बात है हम दोनों भाई हैं सिख लोग जो हैं और मुस्लिम पीपल्स पाकिस्तान जो है ऑफ द वर्ल्ड जो है दोनों मोनोथस्ट रिलीजन हैं और दोनों जो हैं एक कल्चर भी शेयर करते हैं डाइटरी म्यूज़िकल कलनरी कपड़ों का हर एबार से एक कल्चर शेयर करते हैं पंजाब का जो कॉमन ब्लड लाइन शेयर करते हैं इवन जेनेटिकली ब्लड लाइन शेयर करते हैं तो जाट उधर भी हैं जैट यहाँ भी हैं गुजर उधर भी हैं गुजर यहाँ भी हैं राजपूत वहाँ भी हैं राजपूत यहाँ भी हैं तो एक बॉन्ड है जो बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेटली सेवर हुआ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मेरे ख्याल में यहाँ पर ब्लेम लाइक करता है सिख लीडरशिप के ऊपर और वो नाराज़ होंगे हमारे अगर सिख भाई को देख रहे हैं बट सिख लीडरशिप एट द टाइम ऑफ फोर्टी सेवन वॉज इग्नोरेंट टू आजम प्लीज़ के देखो हर हर मोड़ पर तुम्हें अपना नेशनलिज्म प्रूव करना पड़ेगा अब मैं वो कह तो, तो मुसलमान के लिए रहे थे बट एट लार्ज इट वॉज एप्लीकेबल टू दी लार्जर आइडेंटिटीज़ जो माइनॉरिटी आइडेंटिटीज़ हों वो जैन हों बुद्धिट हों क्रिश्चन हों कोई और हों इसफिकली सिख्स को भी अगर देखा जाए खैर इसकी जो खालिस्तान की डिमांड है इनकी अर्ली ऑन इनकी जो है ना इनकी 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 क्योंकि इनकी ग्रीवेंसेज बनना शुरू हो गई थी तो अर्ली ऑन इट स्टार्टेड टू तो बिल्ड अप और वो एक क्लाइमैक्स पे आई एटीज़ के अंदर एज वी ऑल नो आई होप सो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी उसके अंदर कुछ बड़े बड़े फिगर्स थे जो बट्रेइंग एलिमेंट्स थे कुछ थे जिन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया था खैर इनकी एक डिमांड थी कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था इनकी मोस्ट होलीस्ट रिलीज़स साइट्स के ऊपर हमलाएँ टैंकों के ज़रिए किया गया इनके मेजर लीडर्स कत्ल कर दिए गए और तब भी मेजर प्रोग्राम्स हुए थे आठ हज़ार से सतारा हज़ार सिख इन दफ्टर मैथ कत्ल हुए ब्लू स्टार के मतलब पॉपुलेशन की थोड़ी सी है इंडिया की और इनके लिए आठ दस हज़ार तो मरना बहुत बड़ी चीज़ है फिर उसके बाद जब इन्होंने उसके रिटेलिएशन में उसको असिनेट किया इंदिरा गांधी को उसके रिटेलिएशन में फिर एंटी सिख प्रोग्राम्स और राइट्स इनको ज़िबा करना इनको मारना गुरु ग्रंथ जो इनकी किताब है उसकी बेदबी करना एंड सो ऑन तो इनकी हिस्टोरिकली तो इंडिया के अंदर प्लेस कंटेस्टेड ही है और इनकी कॉल फॉर खालिस्तान गोज़ बैक एज फार एज द ब्रिटिश एम्पायर और अगर हम देखें तो इमीडिएटली आफ्टर मैथ में ये ही डिपोज हुए थे पंजाब की रूलरशिप से जब गोरे आए थे यहाँ पे अच्छा जब ये अगर इतनी पुरानी है खालिस्तान की फरमाइश तो कि जब पार्टीशन हो रही थी आपदे पंद्रह बीस साल वो भी होमलैंड कायदे आजम भी थे जो इतने दलेर थे और माशाल्लाह uh, इतने दूर देश थे कि उन्होंने कहा नहीं भी हमें तो सेपरेट होमलैंड ही चाहिए बट दैट टू आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ बींग मेम्बर इन कांग्रेस एंड इतना पार्टिसिपेट करना और एक यूनाइट इंडिया सेकुलर इंडिया की बात करना सिक्स डिट गेट द पिक्चर मेरे ख्याल में सिक्स लीडरशिप डि नाट गेट द पिक्चर कि आप टू परसेंट ही बन के रहेंगे इंडिया का ऑलवेज तो शायद वो कलेक्टिव प्रोग्रेस का या कलेक्टिव फ्रीडम का आइडिया को अट्रैक्टिव लग रहा था कि यूनाइटेड इंडिया बहुत ताकतवर होगा तो उसके अंदर हमारा भी हिस्सा होगा बट ये एक डिलूजन है यूनाइटेड इंडिया के अंदर सिखों का अनफॉर्चुनेटली कोई हिस्सा नहीं रहा जिस तरह एक अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को या टोकन टोकनज़म के तहत जिस तरह मुसलमानों को लीडरशिप में रोल दी जाते हैं उसी तरह आप देखते हैं कि 84 के इतने बड़े जेनोसाइड और मैसेकर के बाद वो मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और मनमोहन सिंह एक टोकन अपॉलॉजी इशू करता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से टू तो द सिख कम्युनिटी फॉर द 84 फोर मैसेकर एंड फॉर द डेसिक्रेशन ऑफ द मोस्ट हाई रिलीजियस प्लेसेज उनके लिए वाई इंदिरा गांधी क्यों नहीं करती ने किया राजीव ने नहीं, नहीं किया वो मर गया उनके बच्चे क्यों नहीं करते वाई डजेंट द गांधी

सिक्स इन फैक्ट वर इनिशियली वेरी सपोर्टिव ऑफ़ द बीजेपी कि कांग्रेस तो है वो तो सिख एनमी पार्टी है तो जी हम इस बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो हमारा हिंदू भाई हिंदू कल्चर दैट डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम दैट डि नॉट वर्क आउट फॉर देम इट ऑल दे हैव नो रोल इन दिन द डिस ऑफ पंजाब एंड फिर इनके बाद ये डिस्प्रेशन में ये आम आदमी पार्टी को लेके आए हैं जो अरविंद केजरीवाल वाली है उसमें ये भगवान भगवंत मान ने उन्होंने एक बिठाया हुआ है अल्लाह माफ़ करे रेंट सिक, कहते। इसको सिख दे कॉल एम रेंट सिक। तो मतलब मैं कराए पे लिया तो मैं मतलब उसको कहते हैं है, मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है बट वो है अपेरेंटली उसकी दाढ़ी उसने पग भी नहीं उसको आप पग है उन्होंने दाढ़ी भी कि भाई चल तू पंजाब के अंदर जाके बैठ जा अच्छा सिखों का काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग उनकी कंटेंशन भी है इंडियन गवर्नमेंट के साथ के पंजाब को वो डिस्टेबलाइज में भी करने की कोशिश कर की हाँ, गई है, तो है एक स्टेट लेवल एज पॉलिसी देखो वहाँ पे देवर द टॉप प्रोवेंस इंडिया पार्टीशन हुआ था एंड राइट नाउ देअर बिहाइंड मीज़ोराम मतलब मीज़ोराम इज़ वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया जो बिल्कुल नो लैंड ट्राइबल एरिया कंसिडर किया जाता है डी आई ये इसमें कोई हकीकत है इन क्लेम्स के अंदर कंस्परेटोरेली अगर मैं उस नज़र से देखूँ तो यार अक़ल का तकाज़ा कि जिस तरह अफ्रीकन अमेरिकन ने जब अपनी सिविल लिबर्टीज़ का हा बोला था जब हल्ला बोला था अमेरिका के अंदर तो उनकी भी मोहल्लों के अंदर उनकी भी गेटोज़ के अंदर उनके भी अर्बन शुभ्स के अंदर क्या करते थे वो शराब हेरोइन मख्तल ड्रग्स पॉप म्यूज़िक नाच गाना सेम ये क्लेम करते हैं अपने बारे में कि हेरोइन की एपिडेमिक पंजाब के अंदर उनको चिटा कहते हैं वहाँ पे और गन कल्चर वायलेंस कल्चर गैंगस्टर कल्चर सेम अफ्रीकन अमेरिकन अपनी सिविल लिबर्टीज़ की मूवमेंट्स में यही पिटते थे कि भाई ये गैंगस्टरिज़म में हमें लगाते हैं ड्रग कल्चर में लगाते हैं हिप हॉप कल्चर में लगाते हैं नाच गाने में लगाते हैं कि स्टेट डिजीज सेम इनकी आर्ग्यूमेंट है कि हमारा रिलीजियस म्यूजिक वज टर्न इन टू हिप हॉप कल्चर एटीज़ के बाद यू सी वज

उसके अलावा अगर इतनी जो इंडिया इतनी बड़ी बड़ी, बड़ी बड़केम मारता है इतने बड़े बड़े क्लेम्स करता है कि हम यूँ हम घुस के अंदर अंदर अटैक कर देंगे ये बी एस एफ ड्रग्स नहीं रोक सकती फिल्मों में तो दिखाते हैं कि पाकिस्तानी पंजाब से ड्रग्स आते हैं मैं कहता हूँ फ़र्ज़ कर लो आते हैं पाकिस्तानी पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब से असला आता है और वो कबूतरों पर बांध के वो भेजते हैं और ड्रोन्स के ऊपर वो गन्ने बांध के भेजते हैं और यू नो ऑल दिस काइंड्स ऑफ कास कहानियाँ जो फिल्मों में दिखाते हैं इंडियंस यार बी एस एफ इतनी पिसहटक है तुम्हारी हमारे ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या एक तरफ तुम कह रहे हो कि वो इतने बड़े हमने डिफरेंट ऑपरेशन ऑपरेशन मजनू हमने पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इन पाकिस्तान का हमने रोक दिया बट नहीं रुका ठीक है आ, ये नहीं रुकता इनसे इतनी बड़ी इनकी पॉपुलेशन जो है वो हार्ड कोर ड्रग्स में तबाह हो गई है उसके लिए मजदूरी कोई नहीं है वो जा रही है कंट्राइवड एफर्ट लगता है कंसर्टेड एफर्ट लगता है उनकी कुछ ऐसे नहीं होता यार गन कल्चर ऐसे नहीं आता हमारे मुल्क में पूछो गन कल्चर कैसे आया हमने इतना बड़ा वो इंटरनेशनल जहादज़म का जया के अंडर लिया मंसूबा तो गन कल्चर आया ना फिर यहाँ पे गैंगस्टरज़्म आया अफगानिस्तान का जब छट्ठा खुला हेरोइन का उस अफगान जहाद के दरमियान तो तब यहाँ पे हेरोइन कल्चर आया कितने लोग उस ज़माने में हेरोइन एडिक्स बने और हेरोइन के आदि बने लीड क्लास में से अपर क्लासेस में से तो ये चीज़ें बड़ी नेशनल पॉलिसीज़ के अलावा नहीं हो सकती यानी टू एम्प्लाय के एक कल्चर के अंदर सब्जेक्टिवली वो एक घटिया कल्चर है दैट्स ऑर देर एम्प्लाइंग बाय द वे कि वो एक सब्जेक्टिवली घटिया ऑब्जेक्टिवली सॉरी घटिया कल्चर है वो सुस्त लोग हैं जी वो मजदूरी नहीं करते जी वो यूपी बिहार से लाते हैं मज़दूर फ़सलें कटवाने के लिए अपनी वाई बी जी के लिए और जी वो बाहर जाना चाहते हैं जी डायस्पोरा में कनेडा ना ले जाना यूके ले जाना नो रेशल अंडर टोन्स होती हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ जो अमृतपाल सिंह और उसके फ्रेंड्स और उसकी जो पार्टी मेम्बर्स हैं उनके खिलाफ जो प्रॉपर हो रहा है ऑनलाइन अगर तुम वो देख लो तो तुम एज अ पंजाबी तो मैं रेसिस लगेगा यानी इमीडिएटली मेरी गट फीलिंग आती है वो गुस्से की होती है कि यार इवन दो मेरा कोई लेना देना नहीं है अमृतपाल सिंह के साथ आई कैन सिंपथाइज विद हिम एंड हिज कॉज एंड हिज ग्रुप बट आई डोंट नो हिम यू नो उसके बावजूद आपको गुस्सा आता है बिकॉज देर आर मेकिंग फन ऑफ पंजाबी पंजाबी कल्चर उसको जब उमीम करते हैं और यार मेन स्ट्रीम न्यूज ए एन आई न्यूज़ जी टी वी लाइक वो के किस तरीके से हम साब को डालते हैं उसका एक पार्टी वर्कर या उसका एक सपोर्टर जो है अगले फसलों में काम कर रहा है कनेक्शन काट रहा तो है तो पुलिस आती है तो कहती है ओ पुल्स आ गया पुलिस आ गई पुलसा पै गियाँ पजो यानी जिस तरह हम बात करते हैं हमारी लैंग्वेज यही है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और आ गई पुलथा आ गई यानी वो अपने अपने एक्सेट में उसको करके उसका फिर वायरस पंजाब दे को वो कह रहे हैं वायरस पंजाब दे यानी जो वायरस वर्मिन कीड़े मकोड़ों से तशबी होती है ना ये बिल्कुल प्रोटोफेज़म होता है कि किसी कौम या किसी एथेनिस्टी को कीड़े मकोड़ों से वायरस से डी डीमनाइजिंग देना और कहना कि वायरस पंजाब दे फिर उसके रिएक्शन में जब ये सारा ड्रैगनेट चला बाई द वे साढ़े छे फुट का ये बंदा है ठीक है पग इन्ह ने बनी दाड़ी ने रखी है गवर्नमेंट क्लेम करती है इंडियन के आसान लब को ही सू वी कांट फाइंड हिम विच इज़ अबसर्ड तुम्हें तो मुझे पता है आज के ज़माने में मुझे ऑडियंस को भी समझ होगी कि यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम गवर्नमेंट ठीक है इस तरह से आ आप जंगलात खंडरात में रहते हो उन्होंने सामा बिल लभ गया सी उन्होंने ये नहीं लभ रहा और इतना बड़ा ड्रामा उसके लिए रचा रहे हैं इसके तहत उन्होंने सौ के करीब इन्फोर्स डिसपीयरेंसेज कर दिए हैं अरेस्ट कर दिए नए से एक्ट लगा दी और लोगों पर यानी बहाना बना के और दूसरा उन्होंने फोर्टी हेट हंड्रेड ट्विटर अकाउंट्स बैन कर दिए हैं इंडिया के अंदर जो इंडिया से बाहर के भी हैं जो लोग इसके कोई पॉजिटिवली इसके खिलाफ कोई या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं अगर इनका क्लेम हम बिलीव करें तो इनका क्लेम ख़ुद सेल्फ डिफीटिंग है कि यार तुम इतने घटिया हो और वो इतना दलेर है कि कभी कभी ना कुछ टिल्स दिखाते हैं जी मोटरसाइकिल है, जैकेट पहन ली जर्सी पहन ली है टीका लगाया हुआ है किसी में दाढ़ी छोटी की हुई है इसने यार वो जेम्स बॉन्ड निकला है तो, तो पे, कैप्चर हो जो कुछ सिख डायस्पोरा के मीडिया आउटलेट्स की देख रहा था स्पेसिफिकली एक है टीवी 84 कनाडा बेस्ड एक उनका चैनल है बहुत वो बहुत एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं ऑफ़ दी पंजाब सिचुएशन इन पंजाब उसके डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब हैं उन्होंने फरमाया कि वी हैव हर्ड फ्रॉम इनसाइड रिसोर्स कि वो असम में है जेल में उसके साथ थी और उनको बहुत एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया बहुत एक्स्ट्रीम किस्म टॉर्चर किया गया अक़ल के तकाजों के भी इन लाइन है कि पाकिस्तान और इंडिया में जैसे मुल्कों में जो हालात होते हैं पुलिस कस्टडी के अंदर होने के और इनको आउट ऑफ स्टेट लाइन जेलों में लेके जा रहे हैं बाई द वे और भी जो अरेस्ट हुए हैं पंजाब में किसी को आसाम किसी को यूपी तो टिपिकल जिस तरह काले पानी की सजा नहीं होती थी गोरों के ज़माने में एंडमन में ले जाते थे हाइलैंड में तो वो लिटरली वही वाला उस तरह की कलोनियल किस्म की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और गोरों को जो भी समझाते हैं कोई ऑस्ट्रेलियन एम पी है उसने भी कहा है उसको लॉबी किया सिक्स ने इंटरनेशनल सिख वो सिख पार्लियामेंट है सिख सिक्स फॉर जस्टिस है उन्होंने उसको लॉबी किया कनेडियन एम पी को उन्होंने जो जो कनेडियन हुकूमत है इस वक्त वो जगमीत सिंह की पार्टी की बुनियाद बुनियादें बनी हुई है कोलिशन गवर्नमेंट है ना तो उन्होंने ठीक ठाक लॉबी की कनेडियन गवर्नमेंट को ये नामिनेशन भी करें आप और ख़िलाफ़ भी बात करें फिर इन सारी एम्बसियों और मिशन के बाहर जो इंडिया के वहाँ उन्होंने झंडे लहराए हैं खालिस्तान के लड़ाई झगड़ा भी हुआ है कुछ जगहों में प्रोवोकेशन भी हुई हैं इस वक्त जो ना नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ना वो मेरे ओपिनियन के अंदर अक्रॉस इंडिया हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वो एक री इमेजिनेशन है अपनी आइडेंटिटी की जिसकी बुनियाद झूठ है कि आप रेडिकेट करना चाह रहे हैं दे आर हेल एट ऑन मेक री मेकििंग इंडिया एवरी सिंगल एग्जिस्टेंस जो है ना किसी और एविडेंस की कि कोई और एग्जिस्टेंस थी यहाँ पे कोई और कौम थी यहाँ पे वो मिटा दो यहाँ से मतलब नाम बदल रहे हैं मुगल शहरों के मोदी गवर्नमेंट और हिंदू नाम इस्तेमाल करते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व इनको पता ही नहीं ये फारसी के लफ्स हैं अरेबिक वर्ड है, है। हाँ ना, हिंदी का तो वर्ड नहीं है ना ये इंडियन संस्कृति का तो वर्ड ही नहीं है ना हिंदू इंडस वैली है, अच्छा, हाँ। है। सिंधु के लोग हैं ना ये तो वो है कहते हैं है। अच्छा, सिंधु के अंदर एवरी वन वॉज नॉट अ मुस्लिम इन इंडिया वॉज नोन हिंदू इंडियन इनफैक्ट हमारे कितने उलेमाओं के क्या नाम होते हैं समथिंग समथिंग अल हिंदी सो एंड सो अल हिंदी बिकॉज़ वो इंडिया के होते हैं अरब्स विल कंसीडर देम हिंदू इंडियन तो इट कंप्लीटली अब्सर्ड्स इनकी खैर इनका क्लेम है कि सारे लोग जो है वो एक शेयर्ड आइडेंटिटी है सब की एक शेयर्ड आइडेंटिटी आप बट लाइक वो आइडेंटिटी है क्या कि हम हिंदू हैं हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ये इनकी है वी आर हिंदू हिंदी हम बोलते हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है ये एक्चुअली महाराष्ट्र की जो बॉम्बे का जो है ना कॉस्मोपोलिटन कल्चर ये पूरे मुल्क पे थोप रहे हैं वो वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक एक बनिए का ब्रह्मेनिकल हिंदू कल्चर है वो सब पे थोप रहे हैं वो स्पेसिफिक गॉड्स वो स्पेसिफिक खान पीन उठन बैठन और कल्चरल फी और वो इवन दे ले क्लेम टू ऑल अदर क्वजीन एज वेल ये भी इंडियन क्जीन है ये भी इट इज़ नॉट इंडियन क्जीन पंजाबी क्वीन है ये सारे जो खाने हैं राजमा चावल दालें शालें ये मटन के कबाब और ये सारे ये आप पठान खाने हैं ये पंजाबी खाने हैं दे आर नॉट इंडियन क्वीन तो वो एक एमेलगेमेशन के तहत कहते हैं कि एक एक ऑल इंड कम्पिंग हम नेशनल कल्चर क्रिएट करें और वो इस राव। तरह फैशिजम की तरफ जा रहा है और और एक जेनोसाइडल स्टेट बनाई हुई उन्होंने सिखों के खिलाफ वैसे डू यू थिंक के इतना बड़ा मुल्क चलाने का तरीका बेसिकली यही है कि आपको एक एक बहुत एक बहुत, एक बहुत सोच यही है कि फॉर द सेक ऑफ स्टेट क्राफ्ट क्योंकि कोई मोरालिटी इन्वॉल्व नहीं होती उसके अंदर सिंपली सक्सेसफुल आउटकम्स होते हैं तो आपको इतना बड़ा जुल्म करना पड़ेगा बट स्टेट क्राफ्ट का एक दूसरा एक तो तरीका है कि आप एक्सेप्ट ना करो कि यार इंडिया जो है ना वो एक प्रिंसली स्टेट्स और एक आठ दस बारह बीस डिफरेंट uh, एथनिस्टीज़ को मिशमैश करके आपने ये बनाया हुआ है ये मुल्क बनता ही नहीं है सूलन अवलन तो पहली बात ये है एक किस्म की बालकनाइजेशन यहाँ होनी पड़ेगी और इवेंचुअली होगी अकल के काजों के खिलाफ है कि ये इतना बड़ा मुल्क इससे चले ब्रेकअप कर जाएगा ये अब्सर्ट सी बात है यार क्या ताल्लुक है तमिलनाडु के लोगों का कश्मीर के लोगों के साथ ना शक्लें मिलती हैं ना बातें मिलती हैं ना मज़हब मिलता है ना खूब मतलब तो खाना मिलता है वो कौन लोग हैं वो कौन लोग say, उस फिर पाकिस्तान में भी बॉडर पाकिस्तान में था। है बट पाकिस्तान के पास एक बहाना है उनके पास बहाना नहीं है वो सेकुलर वो जब तक था नहीं छोड़ेंगे ना सेकुलरज्म के तहत तो कोई मतलब नेशनल आइडेंटिटी नहीं है ना फ्रेंच इज़ फॉर द फ्र, फ्रांस इज़ फॉर द फ्रेंच इवन जो पाकिस्तान में जो हमारे लिबरल्स अनफॉर्चुनेटली कभी कभी बात करते हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसा एक आज कल एक बात चल रही है री इमेजिन पाकिस्तान को री इमेजिन करना है री थिंक करना है एज सेक्युलर आइडेंटिटी क्यों क्या फायदा होगा बल्कि आप सेकुलर आइडेंटिटी द मोमेंट आप स्टेप इन टू करेंगे आपके पठान गएंगे तो हम ऐसे तो वैसे बलोची कहेंगे हम वैसे तो तैसे सिंधी कहेंगे हम ऐसे द ओनली एक्सक्यूज दैट कैन यूनाइट नेशन इज सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस या एथनिक आइडेंटिटी या कोई रेशनल आइडेंटिटी या कोई लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी वो तो कुछ है नहीं ना इंडिया में ना पाकिस्तान में तो वो आजकल बेचारे वो ये हिंदू मज़हब का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ब्रह्मेिकल रूल का कभी हिंदुत्व होगा तो ब्राह्मण टॉप पे होंगे तो नीचे शे होंगे तो ऐसे होगा अच्छा इस हिंदू रूल में ये कास्ट सिस्टम जो है वो अभी भी, भी कास्ट सिस्टम तो, तो के है। किस सेंस में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सो so, एक प्रॉब्लम है कि उनकी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा अच्छी चीजें की थी डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने ने उनका कॉन्टीट्यूशन फॉर्म किया था कि ही वॉन्टेड लोअर कास्ट ट्राइबल्स अदर बैकवर्ड क्लासेस ताकि उनको नाम मिले बट एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप इस तरह की प्रॉब्लम को एक नाम भी देते हो ना तो उसका एक एक ट्रांसवर्स इफेक्ट होता है कि आप हो जाते groups, तो, कुछ सिखों के साथ भी हुआ है अंगूठे तो sort of, you know, के नीचे रहना तुमने सारी उम्र रहना एक सिंबॉलिक डिफीट है बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल डिफीट होती है उनके लिए कॉम की रिलीजस मोटिवेशन कम्पलीटली सेपरेट हैं वो मोनोथियस फॉर एग्जाम्पल एंड दिंदूज आर पेगन्स वो या हैं तो मतलब एक बेस डिवाइड उनके अंदर कॉमन है तो स्टेज ऑफ जेनोसाइड जो बताई गई हैं डॉक्टर जॉर्ज स्टेंटन के तहत जो एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अफसर थे और उन्होंने यूएन को ये मशवरा दे के आठ यूएन में लिखवाई हैं नंबर वन क्लासिफिकेशन इनको डिवाइड करना इन टू रेशलि रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटीज़ कि ये इनको मखसूस क्लेरिफाई करके यार ये पंजाबी हैं ये सिख हैं ये पंजाबी बोलते हैं इन्हों य ये कल्चर है ये गल् करते हैं इन न खाते हैं इन्होंने खालस्तानी क्यों राइट right नाओ अब आप अजीब सी बात लगेगी इन्होंने इवन सेलिब्रिटीज़ को घेरा हुआ है हिंदुत्वा के तहत कंगना रनौत एक फेमस इंग्लिश एक हिंदी एक्ट्रेस है वो अजीब सी बातें करती है वो वो कह वो खालिस्तानियों को गालियाँ दे रही होती है ट्विटर के ऊपर एज ऐसे वो उसके कंट्री में नहीं है या वो इंसान नहीं है गालियाँ दे रही होती है वो फेलो एक्टर्स को भी पिछले दिनों में देखा था ट्विटर पर वो यूज़ कर रही थी कि ये भी ख़ालिस्तानी है अच्छा एक स्ट्रेंज यानी स्ट्रेंज फिन है और अगेन मैं आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बट मुझे यकीन है कि ऑडियंस में अगर कोई देख रहा है इसको पता है कंगना रॉट कौन है उसकी हरकतें कैसी हैं तो वो उनको एब्सोल्युटली पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ sort of like, वो कुछ स्टेट स्पोक्स पर्सन है आई हैव नो आइडिया जब से कोई बीजेपी हुकूमत में है उसका क्या काम है उसका क्या रोल है तो ये तो आई थिंक वेल डॉक्यूमेंटेड है कि ये मोदी की जो गवर्नमेंट है वो एक्ट्रेस को बाय ऑफ करती है सेलिब्रिटीज को जी जी, जी जी लेकिन शाहरुख खान को नहीं कर पाए ना फिर यानी शाहरुख खान तो फिर करती है करोड़ दूसरी अगर आप देखें सिंबलाइजेशन यूनिफॉर्म्स लैंगफॉर्म्स रिलीजियस सिंबल सिख बेचारे इसमें तो बहुत ईजीली फॉल करते हैं पगे दाड़ियाँ डिह्यूमनाइजेशन वायरस वायरस पंजाब इवन शी कंगना रनौथ कॉल दम वायरस पंजाब इन वायरसा का एक ही हल है मटाओ सफ़ाया करो यार ब्लू चेक मार्क अप्रूव्ड अकाउंटों से आ रही होती हैं ट्वीटें सफ़ाया कर दो पंजाब में ऑपरेशन कर दो पंजाब में यार पहला तो सवाल है कि आप इतने पहले ही दही इलाके को गरीब इलाके में आप इंटरनेट कैसे बात कर सकते हैं जिन लोगों ने बेसिक मेडिकल केयर इंटरनेट के ऊपर लेनी होती है डॉक्टर से जिन लोगों ने शहरों में बात करनी होती है अपने जिनके कारोबार ऑनलाइन चल रहे होते हैं आप इन लोगों के साथ कैसे ऐसे कर सकते किस कानून के तहत मैं आपको बताता हूँ किस कानून के तहत अभी बताता हूँ मैं आपको ये हमें हमारे रिसर्चर ने बताया था एटीन एटी फाइव इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन सेवन ऑफ द अफोर मैं इंक्लूड टेम्प्री सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसज दो हजार सतारह में अठारह सौ पचासी के कानून में उन्होंने अमेंडमेंट की कि जी टेलीग्राफ जो <laughs> डिसमिस होता था, था ना गोरों के ज़माने में उसमें आप टेलीकॉम सर्विसेज भी डाल दें यह टेलीग्राफ इतना फंडली फंडामेंटली या वाइटली इंपॉर्टेंट था टू द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी नॉट एट ऑल नंबर दो क्या आपको लगता है कि ये अच्छा कानून है जो एक कलोनियल पावर ने बनाया था एक्सरसाइज किया था और आप उस पर एक्सपैंड अपॉन करके मल्टीपल टाइम एक्सरसाइज कर चुके हैं आफ्टर द रिपीलिंग ऑफ आर्टिकल थ्री सेवनटी जम्मू एंड कश्मीर इज प्ले ग्राउंड फॉर दिस पॉलिसीज़ अजित डबल और इस तरह के मोडी और ये सारे वहाँ सुपर स्पाई डबलो सेवन खेलते रहते हैं लोगों की जानों और लाशों के साथ तो ये प्रैक्टिस कर कर के वो पंजाब पे अप्लाई कर रहे हैं पंजाबीज़ आर मोर रेजिस्टेंट या पावरफुल बिकॉज इनकी इंटरनेशनल पॉलिटी है इंटरनेशनल मूवमेंट है सिख डायस्पोरा का बहुत प्रेशर बहुत डर है इनको जगमीत सिंह दी स्पीकर ऑफ द हाउस कैनेडा के अंदर जो नेशनल डिफेंस पार्टी उनकी मेरा ख्याल है विच इज़ दजिशन पार्टी मेम्बर जिसके ज़रिए

वो आए ही इसलिए बिकॉज इंडिया इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है वरना तो एटीज़ के अंदर या सेवेंटीज़ के अंदर तो इंडिया की पड़ताछियाँ उठा देती थी उन्होंने कि भाई तुम किधर इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो तो लोगों को डक्के लगा रहे हो तो जेलों में डाल रहे हो तो नेट बंद कर रहे हो देखें पाकिस्तान में चिड़ी फड़कती है ना तो अमेरिका से चाइना से सऊदी अरेबिया से ईरान से इंडिया से आ जाती है कुछ हम गरीब मुल्क हैं सीधी सी बात है हमने तो अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है इंडिया अब क्योंकि अमीर हो जा रहा है ताकतवर हो जा रहा है इस मामले के अंदर बट ये बातें जो है ना ये लास्ट नहीं करती होती हैं ये लास्ट नहीं, लास नहीं करती थी जो फेट है ना और हिस्ट्री बड़ी ये फिकल मिस्ट्रेस है बड़ी ाल चीज़ है ये ऐसे नहीं होता कि कोई रिलेशनशिप्स होते हैं स्टेट्स के दरमियान द मोमेंट इंडिया इज़ नॉट वायबल फॉर देम फॉर एग्जांपल अजहर जान और जब आर्मेनिया की जंग हुई तो अजहर भाई जान जो नेटोए लाए था क्योंकि नेटो को वो सीधा रास्ता चाहिए था पानी का इंडिया ने नहीं सपोर्ट दी अजहर को और यूक्रेन और रशिया की जंग में आप देख लें आम, इंडिया ने नॉन लाइनमेंट रखी है कि हमने वो डीजल पेट्रोल भी लेना है गैस भी लेनी है और हमने आटा भी लेना है हम तो हमें को नो सीन्स ब्रो हम तो नहीं करते प्रो यूक्रेन या यू you नो know, स्लावा यूक्रेन या डाई विद यूक्रेन तो ये दो तीन इस तरह के अलावा होते हैं आपको डिप्लोमेटिक मिस स्टेप्स बट द मोमेंट इंडिया बैड एक्टर बन जाएगा बेस्ट के लिए तो इंडिया के लिए वो बंदोबस्त कर लेगा और कोई पता नहीं कि और ही कोई वो तैयार करे कि बंदोबस्त करो इनका सिक्स का रिलेशनशिप है विद द मुस्लिम पॉलिटी या मुस्लिम नेबर्स के साथ अपना आई थिंक अच्छा है आई थिंक उसके अंदर रिकनसिलेटरी एलिमेंट्स रहे वक्त लेकिन आई थिंक मल्टीपल टाइम्स पीरियड हमने वोकली ओवर खालिस्तान को सपोर्ट दिया है पंजाबीज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट दिया है उनको उनके रिलिज़साइट्स के अंदर एक्सेस पॉइंट्स बनाए हैं अभी जो करतारपुर कॉरिडोर वाला सारा एक सिंबॉलिक और एक बड़ी लिटरल कल्चरल विक्ट्री थी आज तक जो है वो सिख कम्युनिटी आके एंजॉय करती है अपने काउंटर पार्ट्स को यहाँ मिलती है एंड सो ऑन उसके अलावा सिख टूरिज्म मेरे ख्याल में काफ़ी हाई है पाकिस्तान के अंदर जनरली और भी रिलिजस साइट्स हैं <laughs> पंजाब के अंदर आई थिंक मेन इशू यही आता है कि एडिट स्कोर क्या खालिस्तान का क्लेम वैलिड है कि नहीं बिकॉज़ अमृतपाल ने भी खालिस्तान की बात की थी अमृतपाल साहब ने भी भाई अमृतपाल ने भी खालिस्तान के क्लेम्स की बात की, की थी उसने कहा था यार हमें इसको वायलेंटली नहीं बट बड़ बड़े इंटेलेक्चुअली एक पैमाने के ऊपर बात करनी चाहिए उसने कहा था, था कुछ बड़े वैलिड क्लेम्स थे तो उसने कहा था यार अगर मैं मेन स्ट्रीम न्यूज़ के ऊपर मिनिस्टर्स एम पी एज़ हकूमत के अलाकार जर्नलिस्ट ओपनली हिंदुत्व की बात कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं कि हिंदू स्टेट होनी चाहिए तो हमें क्यों नहीं इजाजत बात करने की बड़ा वैलिड क्लेम है बट एट द सेम टाइम सिक्स का ये भी क्लेम है कि हिंदू राष्ट्र और नो हिंदू राष्ट्र वी वॉन्ट खालिस्तान यानी इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन के सबसिक्वेंट्री सिंस यू क्लेम ए नॉन सेकुलर रिलीजियस स्टेट हेंस वी कैन ऑल्सो नहीं ये नहीं वो कह रहे हैं भाई आप सेकुलर रहो आप रिलीजियस रहो हमें फिर भी खालिस्तान चाहिए बट एज ए डेबल्स एडवोकेट वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि यार अगर तुम ये मांग सकते हो तो वो सिख क्यों नहीं मांग सकते मतलब तो मेरे ओपिनियन के अंदर तो दर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू कि आप एक रिलीजियस एथनो स्टेट मांग रहे हैं और उसकी एक आइडेंटिटी और एक सर्टन जोग्राफिकल रीजन के अंदर वो ऑपरेट करे तो मुझे तो कोई इशू नहीं समझ आया बाकी उसने कहा था हमने इसको इंटलेक्चुलाइज़ करना है इस डिस्कशन को उसने बहुत दिलरी के साथ आ, पब्लिक को भी फेस किया ट्रोलिंग को भी फेस किया इंडियन पुलिस को भी फेस किया पंजाब पुलिस को भी फेस किया मेन स्ट्रीम न्यूज़ के ऊपर जैसे इंटरव्यूज़ दिए हैं बड़े वेनमस जर्नलिस्ट होते थे दे वुड हैव ऑलमोस्ट दे वर प्रोजेक्टिंग दी एंटायर यू नो हिस्ट्री ऑफ पंजाब में सिविल डिसोबीडियंस और वायलेंस की दिस वन यंग मैन सबसे डिसअपइटिंग रोल मेरे ख्याल में ना वो रहा है सिख की जो लोकल रिलीजियस और उनकी पोलिटिकल इस्टेबलिशमेंट एग्जिस्ट करती है पंजाब के अंदर तो अखाल तख्त का जो जो एक्टिंग जत्थेदार है टी वी एटी फोर वाले जो अंकल जी हैं डॉक्टर अमृत जी अमरजीत सिंह साहब वो तो कहते हैं उसको एक्टिंग जथेदार ज़्यादा ही एक्टिंग कर जाता है उनका एक्टिंग जो प्रेजिडेंट है जथेदार प्रेजिडेंट होता है सॉर्ट्स ऑफ दी एनी ऑर्गेनाइजेशन तो जो उनकी रिलीजस अखाल तख्त है ना उनकी एक इदारा है अखाल तख्त क्लर्जी टाइप उनकी क्लर्जी की एक फॉर्म है उनकी उसका जो एक्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट है उसको कहते हैं वो ज़्यादा ही एक्टिंग कर जाता है वो भी खिलाफ़ इसके ठीक आ, मेजर रिलीजियस फिगर्स ने इसके खिलाफ बात की अमरजीत सिंह अमर अमृतपाल सिंह के खिलाफ अकाली दल इसके खिलाफ बीजेपी के सिख इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सिख जो लोग पोजिशन ऑफ पावर में हैं सपोर्ट इमीडिएटली अनोयड बाई हिज सडन रेज राइज टू फेम बहुत सडनली क्योंकि इसकी जो मूवमेंट थी वो बड़ी नोबल थी बड़ी उसके अंदर एक रिलीजियस एक स्पिरट थी एक कुर्बानी का जज्बा था कि यार आप पब्लिकली रैली कर रहे हैं फॉर सिख राइट्स जो बच्चे हकूमती शरारतों की वजह से ड्रग्स के अंदर और बेरोज़गारी के अंदर मारे जा रहे हैं उनको हम ड्रग एडिक्शन छुड़वा रहे हैं रिलीजियस रूट्स के ऊपर वापस लेके आ रहे हैं उनके लिए जॉब क्रिएशन कर रहे हैं उनको किसी काम पर लगा रहे हैं ये सारी चीज़ें हुकूमत की करने वाली थी ठीक है ना और इन इंस्टीट्यूशन से करने वाले थी ये एक बच्चा आकर दुबई से वापस कर रहा है और बच्चा है वो ये जो दिस आइडिया कि वो एक ग्राउंड मार ग्राउंड मार नहीं वो ताईस अठाईस साल का बच्चा है वो ट्रकिंग का काम करता था दुबई के अंदर वो जवान अपनी जिंदगी जीता था अच्छे पैसे कमा रहा था वो छोड़ के वापस अपनी कौम की कुर्बानी के लिए आया है यह तो एज अ पंजाबी या एज अूमन बींग भी इवन मुझे अक्रॉस द बॉर्डर इनफैक्ट बिफोर हिज इनफोर्स डिसअपियरेंस मेरा बड़ा ख्वाहिश थी कि हम उसको अपने चैनल पर लेके आए लाइव स्ट्रीम पे इफ़ इट तो वाज ओके फॉर हिज पॉलिटिक्स यानी कि वे एम रिली वॉन्टेड तो इंटरव्यू हिम बड़ा अच्छा कैरिस्मेटिक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था और आ, ये एक अजीब से इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आई एस आई इन फंड कर रही है एक ही सांस में कहते हैं ऐसे भूखी नंगी है एक ही सांस में कहते हैं आई इनको फंड कर रही है एक ही सांस में वो बड़े अच्छे जवाब दिया करता था इन चीज़ों के वो कहता था कि यार हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है हमारा मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है वो कहता था मैं वहाँ देख के आया हूँ मुस्लिम्स को करीब से देख के आम कहते हैं मुझे नहीं इंटरेस्ट उनके रिलीजन में मेरा अपना रिलीजन है मेरे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है मैं उसी को फॉलो करना चाहता हूँ मेरा ना ऐसे ऐसे से ताल्लुक है ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है बट फिर भी ये कंट्राइव उसके खिलाफ पूरा केस बना के आई डोंट नो अल्लाह अल्लाह ही रहम करें वॉट दे एक्सपेक्ट के अगर उनको लगता है कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट पर हैरानी होती है क्या आप इतने बड़े बड़े ड्रामे यू you नो know, एक कंस्परीसी ये है कि बीजेपी सारा ड्रामा रचा रही है ताकि आम आदमी पार्टी पंजाब से निकले लुक so you know, तो में मोदी है तो मुमकिन है ठीक है डेट इज दर स्लोगन मोदी है तो मुमकिन है ये वही मोदी है जिसने कहा था कि जब ऐसे वो फॉरन जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप बरी तो हो गए उसके लिए गुजरात राइड्स के लिए बट आपने ये तक तो स्टेटमेंट नहीं दी कि आपको दुख हुआ यू नो you know, कि वहाँ लोग मरे उसने कहा कुत्ते का, का पिल्ला अगर गाड़ी के नीचे आ जाए तो दुख तो होता है ना ये 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 प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारा ये स्टेटमेंट है दे रहे हैं इंसानों के बारे में कि गुजरात में जब मुसलमान राइट से मरे कुत्ते का पिल्ला अगर आ जाए गाड़ी के नीचे तो दुख तो होता है इंसान को अब वो बहुत मौजूद हो गया है पिछले आठ दस साल में उसको बड़ा पॉलिश यू नो चाट चूम गए कभी चमका लिया उसको लेकिन है वो यही कुछ है वो यही कुछ एक नेशनलिस्ट uh, लीडर है नेशनलिस्ट लीडर है।, है जो कि कास्ट आइडेंटिटी को एक्सप्लॉयट करता है उसके तीन चार चाने वाले हैं अडानी हैं अंबानी हैं उन्हीं को वो लाड प्यार करता है उन्हीं को वो पालता है वो मोटे जाते हैं आप गरीब हो जाते हैं मतलब मैं तो हैरान हूं यहां पर जो लोग बात करते हैं कि जी वहां पर इतना राशन बांटती है हुकूमत इतना आटा बांधती है वाई वाई इज दिस मेरिट कि हुकूमत टू डिस्ट्रीब्यूट आटा दिस इज अ मेरिट कि पब्लिक स्पेंडिंग इज बिंग डन ऑन दिस दिस इंडिकेट्स वट अगर 16 करोड़ लोग आटे राशन के ऊपर हैं वट इज इट इंडिकेट कि 16 करोड़ लोग के पास खाने को नहीं है पीने को नहीं है पहनने को नहीं है तो ये इंडिया पाकिस्तान में कॉमन ये एक ना एडियोसेंक्रेसिस होती हैं वैन डिस्कसिंग मैटर्स ऑफ द स्टेट यहाँ पे भी जोकर कह रहे होते हैं कि हमें सेकुलर कर दो जिस तरह वहाँ पे वहाँ के लिए इट इज एन अब्सर्ड डिमांड टू ब हिंदू स्टेट यहाँ के लिए उस तरह से इट्स एन अब्सर्ड डिमांड टू बी अ सेकुलर स्टेट ये बनाया क्यों और वो चलाओगे कैसे हिंदू स्टेट बना के ठीक है ना मतलब इट्स अब्सर्ड इतनी ज़्यादा कौम में इतने ज़्यादा कल्चर उनके ऊपर तो ये हिंदू मज़हब करते हैं या तो वो छोटा टुकड़ा लें ना इंडिया का जहाँ सिर्फ हिंदू मजोरिटी पॉपुलेशन है आठ दस उनको सुबह मिले वो बनाएं फिर बाकी को कहे तुम बना लो नेपाल के साथ मिल जाओ तुम नागालैंड बना लो तुम खालिस्तान बना लो अलग अलग हो जाओ तुम कश्मीर अलग कर लो या तो वो करें कि एक हिंदू हार्ट लैंड बनाए जो एक्चुअल जहां से आए हिंदू मजहब आता है यारीजन बट exactly. वो हैं मौजूद हैं दे नो वट दे आर वहाँ पे आज तक हिंदू मेजोरिटीज हैं वहां पर सारे इनके मंदिर हैं वहीं पर इनकी रिलीजियस साइट्स हैं मेजर वो आठ दस रीजन के क्यों नहीं बना लेते फॉर एंड सिमिलरली यहां पर जो लिबरल्स बात करते हैं फॉर पाकिस्तान टू बी ए सेकुलर स्टेटली अपसाइड बनाया क्यों था भाई इंडिया में रहते ऐसे ही करते वहाँ मेजॉरिटी इतनी बड़ी बना रहे हैं मुस्लिम्स की वहाँ पर सेकुलरिज्म मेक्शोर करते के रहता ताकि सारी यू you नो know, इंडिया के अंदर तो रिक्वायरमेंट है मस्ट भी इतनी बड़ी जिससे कहते हैं ना वो डबल डेकर स्टेट को चलाने के लिए तो सेकुलरिज्म ही चाहिए होगा ना एक कौम की तो नहीं चल सकती वहाँ पर एक्टर नहीं ऑफ मेजोरिटी बनाना चाहते हैं बीजेपी वाले और वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं मुझे दुख पता है क्या हुआ मुझे मिडिल क्लास में इंडिया से बहुत दुख हुआ मुझे इंडिया के न्यूज़ चैनल से बहुत दुख हुआ है

मोर अनसाइटली थिंग्स इन सोसाइटी के ओहो चलो इसको मत देखो ये गंदा है ये बुरा हो गया ओहो दो, दो मत करो कि आप गंदी मक्खी हो आप जाके गन पे ही बैठते हो शहद की मक्खी बनो शहद पे बैठो यू नो दिस सॉर्ट ऑफ बुलशेट सॉर्ट ऑफ आइडियालॉजी जो एक मिडिल क्लास जगह चलती है आई थिंक वो कम्प्लेसेंसी आ चुकी हुई है इंडिया के अंदर फाइन विद लिंच मुसलमान को देज कर दिया सिख लिंच कर दिया सिखों को अरेस्ट कर लिया सिखों को थाने में डाल दिया छः दिन से इंटरनेट बंद है प्लस आई थिंक उनकी सोशल इंजीनियरिंग बहुत इफेक्टिवली हुई है आई थिंक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के लोग ये मासूम से होते हैं व्हाट्सएप पे ट्विटर पे यूट्यूब पे जो ये देखते हैं दे बिलीव इज फैक्ट क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी नहीं इतनी ज़्यादा हमारी कॉमों के अंदर इसके एक डिक्टेटर चाहिए जो एक दफ़ा आके कॉम क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात यार आज़ादी इनको मिले तो सही एक दफ़ा इन लोगों को मौका तो मिले पार्टिसिपेट करने का तब डेवलप होंगे इनकी थिंकिंग स्किल्स और क्रिटिकल स्किल्स देख इंडिया में कोई नो कोई एक्टिविज्म इस किस्म का नहीं है फ्राम देर बी सेकुलर बी कटर हिंदू हैं एंड इट्स अ कल्चरल मोर सोन रिलीजियस वन सो इट्स लाइक सेम गो अगेंस्ट यूर कल्चरल यू नो इट वुड बी अब्सर्ड फॉर यू डिस दैम तो आप वो बहुत करते हैं मूवमेंट करती हैं दे ड्रॉप द बॉल हेर एंड देयर बट वो करती हैं अटेम्प्ट तो हैं उनकी बट इवन दे हैव दिस अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियल ऑफ कि हाँ इंडिया मस्ट भी वन भारत एक ही मुल्क है विच इज बट वाई बट वाई

ऐसे मिलिट्री क्रैकडाउंस करके और पुलिस क्रैकडाउंस करके लोगों को एनफोर्स डिसपीरेंसेस करके तो मुबारक हो आपको आपको मैं मुबारक हो आज तक हम भुगत रहे हैं खैबर की सिविल वॉर आज तक हम भुगत रहे हैं सत्तर हज़ार बंदा मर के आपने मरवाना मरवा लो आपको शौक है मरवाने का मरवा लो या उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस करो या कभी कभी कोई कॉम ग्रीवेंसेस की हद से आगे निकल चुकी हुई होती है वो कहती है अब हम अलग ही होंगे एक लिमिट होती है ना कोई सिख डायस्पोरा के बाद आई थिंक उनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी हुई है आई थिंक आई थिंक दिस इज बिन द केस रिगार्डलेस ऑफ वट इज happened, पाकिस्तान में खैबर एंड बलो आर लिवेबल फॉर बलोचिस इन पठानस एंड हज़ारा वाल पीपल्स पंजाब हज़ बिकम एन लिवेबल फॉर द पंजाबीज़ फॉर स्पेसिफिकली। उनके डायस्पोरा इज इंडिकेटिव ऑफ दैट। तो आई डोंट थिंक रिकन्सलेशन का मौके होंगे आई एम श्योर वहीं करना चाहें तो कर सकते हैं बट मुझे लगता है कि बात हाथ से निकल गई है बिकॉज अब आपने दो तीन जनरेशन बाहर पलवा ली है उन्होंने बाहर की आज़ादियाँ बाहर की सिविल लिबर्टीज़ बाहर की फ्रीडम्स देख लिया हैं वो दो धारी तलवार वन दे केन स्टे अवे फ्राम दर सेकेंड पंजाबी कल्चर विच आई थिंक वॉट इज़ इंडिया इज बैटिंग ऑन दी अदर थिंगज़ दे केन टेक फ्रीडम्स एंड यू नो डिवेलप डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड री अपलाइडम टू पंजाब और टूर डिमांड फॉर अर खालिस्तान स्टेट फोर इट इज़ अ वेरी बिग थ्रेट देखो एटी फोर वाली जो जनरेशन है दो वो वो जनरल साइड में मारी गई उसके बाद वाली थाउजेंड्स वाली दो जनरेशनें जो हैं वो नाइन्टी थ्री थाउजेंड वाली वो चली गई मज़दूरी में टू थाउजेंड टेन्नी दो जनरेशन ड्रग्स में मार गई तो यू विल फाइंड देम टू तो बी क्वाइट 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 अ को अपॉन इट नाउ स्पेशली बिकॉज ये वायलेंस के मामलों के अंदर शायद ना इंडियन स्टेट को सुपरसीड कर लेते हैं बट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मामले में जहाँ इनके बंदे एम पीज़ हैं इतने बड़े मुल्कों के अंदर ऑस्ट्रेलिया कैनाडा यू के अंदर अमेरिका के अंदर और वहाँ ये पब्लिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जा रहे हैं सोशल डिस्कोर्स के अंदर तो आई थिंक इंडिया प्लस अगर आप देखो तो इंडिया को अगर थ्रेट ना होता तो ये ड्रामा क्या कर रहे हैं सारा तीन स्टेटों में ड्रैगनेट और इतनी बड़ी स्पैट हुई है उनकी यूके के ये डि, 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 डि डिप्लोमेटिक स्पैट्स हो रही हैं उनकी यूके के साथ हुई है अभी उन्होंने यूके की एम्बसी के ऊपर दिल्ली में हटा दी सिक्योरिटी इन रिस्पॉन्स टू कभी वहाँ झंडा लहराया सिख का खालिस्तान का तो ये ये तो बड़ी पैटी मनूवर्स कर रहे हैं बदमाशी है तो बदमाशियाँ कर रहे हैं देख दिस काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक स्पैट इज इंडिकेटिव ऑफ समथिंग ऑफ अ फियर कुछ अंडरलाइंग फियर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हो रहा है आई मीन जाहिर सी बात है आप इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते अपनी जितनी भी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इट्स स्टिल इतनी बड़ी पॉपुलेशन की 2% भी इज बट डोंट यू थिंक यार गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉलिंग ओवर इट्सल्फ टू क्रिएट दैट इंस्टेबिलिटी बल्कि ललचार ही होती है फॉर दैट इंस्टेबिलिटी बिकॉज दैट जस्टिफाइज रूलिटाइज उनका वो जी आयरन विल्ड फिस्ट और जी आयरन हैंड के साथ कर दे मुझे खानी होती तो वो इसको न्यूज द वेटिव इज बिंग बिल्ड इसके भगोड़ा है दे वोट नॉट अ माटर दे वॉन्ट टू ब्रेक हिस्पिरट दे आर टॉर्चरिंग हेम आई यूर यू आर घट फीलिंग वट डू यू थिंक वेरी इज अल्लाह माफ़ करिए वैसे मुझे सोच के खौफ आता है कि वट कंपेल्स ह्यूमन बींग्स टू डू दीज थिंग्स आप जैसे मर्जी हैं अवेबल हैं आप, है, आप फलाड़े हैं टींग हैं बट लोगों को पकड़ के उनको कोना करके उनको अंधेरों में बंद कर देना उनको टॉर्चर करना ट्रूली कोई बेस और खौफनाक टेंडेंसी है इंसानों के अंदर इंडिया हो पाकिस्तान हो कुछ सीआई के लोग अमेरिकन हो ये मुझे अनबिलीवेबल हरकत लगती है बहुत ज़्यादा और ऊपर से इतने आके इतनी ताकत के साथ एक छोटी सी माइनॉरिटी को एक छोटी सी माइनॉरिटी और एक बंदे को यार एक खूबसूरत नौजवान को आप अकेला कर रहे हो और उसको टॉर्चर कर रहे हो उसके साथ उसकी बीवी उसकी रिसेंटली शादी हुई थी माशाला से तो वो उसकी बीवी का नाम उन्होंने पब्लिक कर दिया एलिमेंट ऑफ हरेसमेंट और एलिमेंट ऑफ़ यू नो वेटा तो नज़र आ रहा है इतनी बड़ी स्टेट इतना सा वो बच्चा अमृतपाल जवान लड़का और उसको वो उसके ऊपर चार दौड़े हुए वो तो दी ही, उसका हीरोइज़्म तो इज शोइंग वो जो अब ये ये हिंदुत्वी जो हैं जो और बाय वे बड़े बड़े कंजम्पशन वाइज लिबरल लुकिंग ट्विटर हैंडल्स आप देखोगे यूट्यूब पे बड़े वो बड़े उन्होंने मॉडर्न कपड़े पहने होंगे इंग्लिश वंग्लिश बोल रहे होंगे बट वो हिंदुत्व उनकी ना उनकी उनकी वो उनके डी एन ए में उतार दिया उन्होंने पिछले दस बीस सालों के अंदर हिंदुत्वी इसका जितना मर्जी मजाक उड़ाए दलेर तो बहुत है कला स्टेट नाल टक्कर ले रहे तो कभी कोई को नहीं इन लेती इनका जो था सा वर्कर वो जो कहता था ब्रिटिश एम्पायर मुझे माफ़ कर दो जो फादर ऑफ हिंदुत्विज्म है डरपोक तीन दफा माफ़ियाँ लेके आया गोरों से माफ़ी ना मिले प्लीज़ मैं आपका ग़ुलाम हूँ नेरू? लेकिन ये हाँ नेहरू सवरकर सावरकर नहीं नेहरू तो नेहरू तो गोरों का फ्रेंड था सावरकर तो वन जिसने हिंदुत्व बनाई थी वो तीन दफा माफी नामे लिखे हैं उसने गोरों को जबकि सिख और मुस्लिम और कई हिंदू भी जो वहाँ रेबल फाइटर्स थे वो फांसियाँ खा लेते थे एंडमन में मर जाते थे तो ये जो हिंदुत्व का बाप है और ये इतना सिख आदमी इसकी किताब में मैंने देखा था ये लिखता है कि मुस्लिम विमेन का रेप करना नॉट ओनली इज जायज इट इज़ अ ग्रेट पोलिटिकल टूल बिकॉज जो मुस्लिम एंटी मुस्लिम हेटेड है वो मैन ने फेस किया अब मुस्लिम विमेन को भी फेस करना होगा तुम तो इनकी इनकी औरतों को भी रेप करो ये, ये सिक हैं ये बेचारे मेंटली सिक लोग हैं नथूराम गोडसे जिसने गोली मार दी उसको गांधी को उसको कहते हैं बापू है ये हमारा हीरो है कौम का ये खुद बेचारे कन्फ्यूज हैं इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आ, एक वो अमृतपाल का मजाक उड़ाएंगे ये मजाक उड़ाएंगे अमृतपाल का वो इतना दलेर आदमी है वो इतना सक्का पतला जवान है यार वो ना बहुत को बहुत ताकतवर को होता ना कोई डिश्कर जो है वो माड़ा जो मुंडा कला आप ही लगे हुकूमत नाल मगर ला के एंड ही न्यू एग्जैक्टली वर्ट मिशन ही वॉज ऑन के मुझे मारें पीटेंगे ये इसको कोई डिलूजन ऑफ़ ग्रैंजर तो नहीं हो सकते ना कि मैं आऊँगा तो वहाँ खालिस्तान बन जाएगा तो मुझे वो चीफ मिनिस्टर बना देंगे कुछ ऐसे नॉट एट ऑल ही न्यू क्लियरली कि मेरे साथ क्या होना है एनी सेड के अभी हाँ सर कटाना है वो तकरीरों में कहता था असि सर कटा है असी संतर बनना है सेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है आ, आ, सिखी के अंदर कि वो बड़े संत सिपाही एट सेंट सोल्जर होता है वो सर संत जर्नैल सिंह पिंडरा वाले को वो मानते हैं जो शहीद हुए थे इधर इसके अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर जब एटी फोर में ऑपरेशन ब्लू, ब्लू स्टार हुआ था वो कहता है मैंने आई वॉन्ट टू बी लाइक में, like में सर कटवाना है अपना अब देर प्रघोड़ा इट बिकॉज आई थिंक इसने अपना रेस्ट पीसफुली दिया होगा अच्छा हाँ आई थिंक इसने अपना रेस्ट दिया प्रॉपर एंड yeah, you know. या मेरी अकल कहती है इट्स पॉसिबलो बोथ ही नजर में वो भागे तो तब जायज़ है अपनी जान बचाने के लिए वो ओपनली आगे इनको ललकारे अब जायज़ है बिकॉज वो एक बंदा है और एक मैं देख रहा था एक सिख इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुजुर्ग वो वाहिद सपोर्ट दे रहे हैं इस बच्चे को उन्होंने कही यार ऐसे अला ने सपोर्ट देनी थी बारह बोर की गन्ने ही देनी थी उन्होंने जवानों को सिंगनान सिंगानु भारा बोर के छरों वाली करने आए सही देर देना इनको ऑटोमेटिक और धमाके वाले वैसे है। कितनी सपोर्ट है ऑन ग्राउंड लेवल कम और, कम आई uh, इसने तब भी जब अजनाले जेल में जिसकी इंटरव्यू याद आ रहा है ये बात कर रहा था कह रहा इन्हना कॉल से बंदे नहीं आंदे स्टेट ने यह सी कि सा कॉल बंदे नहीं आते दसो तब भी इसका ही था कि द स्टेट वॉज ट्राइंग टू प्रजेंट दायस एज पोलिटिकल नो विज एज नो बडीज बट हकीकत यह कि नहीं है इनकी यूथ के अंदर अवाम के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर गरीब आदमी के अंदर बहुत सपोर्ट है इनकी बल्कि द इट इज दिख एस्टैबलिशमेंट पोलिटिकल स्टैबलिशमेंट और रिलीजियस स्टैबलिमेंट जो इनता हाई क्राफ्ट है इनकी कोई ऑन ग्राउंड सपोर्ट नहीं है इनको डायसपोरा में भी सपोर्ट थी और लोकल भी सपोर्ट थी तहीं तो नैट बंद किया है ਉਨਰ ਦੇ ਮਖਰਾਵ ਹੈ ਕਿ نیٹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਨੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਲਵਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਣੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਆਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਬਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕੇਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੁੱਕ ਬੈਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰੋ ਲਗਣ ਚਮਕਦੇ ਵੀ ਲਗਣ ਕੇਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਦਾ ਫੂਲ ਕਿ ਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਲਵ ਵੀ ਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 6 ਫੁੱਟ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਾ ਲਬਰੀਆ ਦੇ ਆਰ ਇੰਬੈਰਸਿੰਗ ਥਮਸੈਲਵਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਓਵਰ ਥਮਸੈਲਵਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਟੰਬਲਿੰਗ ਓਵਰ ਥਮਸੈਲਵਜ਼ तो वो उस बंदे ने तब भी ये कहा था कि मुझे लगता है कि इनकी कॉल पर बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं और द फैक्ट के यार कोई टी वी कवरेज आएगी इस पंजाब की हैवी सी ने सिंगल फुटेज पंजाब की दैट इज़ अ हॉरीफाइंग आइडिया कि समथिंग लाइक दिस इज़ अनफोल्डिंग छठा सातवा दिन है एंड नथिंग इज है तो आई डोंट थिंक ही समथिंग टू बी डेल्ट विद लाइटली हाँ जो इसके बारे में क्लेम्स कर रहे थे वो अप्सर्ड थे कि जी वो दुबई में ट्रेनिंग ली है तो पता नहीं बीच में इन्होंने कोई कहानी डाल दी कि जॉर्जिया क्या था ये ट्रेनिंग करने किसी मिलिट्री उसमें आई एस आई की किसी ना वो बहुत कुछ लेन थी वहां पे किसी पीएमसी के साथ प्राइवेट मिलिट्री कॉर्पोरेशन आई एस आई करो सेवन एक साइड में पैसे नहीं है अच्छा भाई मैंने एक नोट किया जनरल रेवलरी इंदी हिंदुत्वी

तुम बीमार हो सारे लोग बीमार नहीं होते मेंटली दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि लाइक जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमिक वोज और मिजरीज के बारे में बात करते हैं इट डज़ नॉट सीम लाइक इकोनॉमिक एनालिसिस इट सीम्स ऑलमोस्ट लाइक क्लोटिंग पिछले दिनों एक आटे की लाइन में लाहौर में यहाँ पे कुछ लोग कत्ल हो गए आर टी की लाइन बैठ uh, हुए मैं इंडियंस अगर देख रहे हैं समझाता हूँ एक कम्प्लीटली कंट्राइव केस हमने क्रिएट किया हुआ जो एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली और हमारी गवर्नमेंट उसको ब्रौनी पॉइंट्स के लिए ड्रामा drama, ड्रामाटाइज कर रही है वो चाहती है कि लोग आटे की लाइन में मरें ताकि इलेक्शन ना हो सके दैट इज़ ऑल तो आर की लाइन की इतनी बड़ी परेशानी नहीं अल्लाह का शुक्र है है वैसे पाकिस्तान में केयर्स बट नॉट दैट बैड आटे की लाइन वाले बिना उन्होंने समथिंग टू द इफेक्ट ऑफ यू नो ओल्ड कपल सफर डाइज इन आटा लाइन उस पर खुश हो रही थी घुट कर रहे थे एंड इफ यू वॉट टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द हेडलाइन एन द आर्टिकल इट सेल्फ जस्ट रीड द फर्स्ट कॉमेंट जस रीड द फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉमेंट यू नो एक्जैक्टली वट दे आर ये सारे इनके जो बड़े बड़े हैं पब्लिक फिगर्स मैंने देख ली हैं जो बहुत कोई इंडियन ग्लोरी की बात करें आई एम नॉट इवन टॉक अबाउट द एक्सट्रीम जो गौरव आर्य ईसाई दीपक है सदगुरु है जिस जो जोकर मैं जो बात भी नहीं कर रहा हूँ जो सो कॉल्ड सेकुलरली बाधा ओढ़ के बैठे होते हैं ऑन मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स देर इज़ नथिंग सेकुलर अबाउट दैम देर इज़ नथिंग नॉन पार्टिजन अबाउट दैम वो पार्टिजन होते हैं और वो बहुत एक्स्ट्रीम किस्म की वो बास बात कर रहे होते हैं एक उन्होंने टोकन मुसलमान एन डी टी वी बेचारा था वो ख़रीद लिया एक उन्होंने मुसलमान एंकर भी बिठाई होती है आ, रूबिका रूबिका लियाकत

अभी तक ना जो खालिस्तान और जो सिख ना द मूवमेंट्स हैं दे हैव नॉट रिवील्ड देयर हैंड दे हैव अलूडेड टूअर्ड इट दे हैव नॉट है not, कैसे हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम पहली बहुत कमज़ोर पोजिशन से आते हैं विल दे एम्प्लॉय वायलेंस विल दे टेक द कोर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या प्रेसरस आएंगे आई थिंक द फर्स्ट स्टेप बिफोर वायलेंस दैव इज नॉन कोऑपरेशन कनक शनक दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन पंजाब फसलें I think a complete standstill of the economy and non-cooperation will be the first step. स्टेप एट द सेम टाइम आई एम फुली अवेयर ऑफ हाउ हैवी हैंडेड द इंडियन स्टेट हैज बिकम आप कश्मीर को देख लें अपने सामने सिमिलर फेट आई थिंक ये भी एक ऑक्यूपाइड एरिया ही बन जाएगा लेकिन सिविल uh, डिसोबीडियंस की जो इनकी एक्सट्रीम फॉर्म है कि जहाँ पे टोटल नॉन कोऑपरेशन करते हैं आई थिंक दैट माइट क्रिएट lot ऑफ अप्रोर बट एट दी एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक एंड आई डोंट डिजायर इट नॉट एट ऑल मैं चाहता तो हूँ कि ऐसे ना हो आई थिंक इट माइट बिकम वायलेंट बिकॉज बॉडर स्टेट है सेंसिटिव मामला होता है ना सिर्फ यह पाकिस्तान को बॉर्डर करता है कश्मीर को भी बॉर्डर करता है और डिफरेंट स्टेट्स को भी आई थिंक सात आठ स्ट्स को बॉर्डर करता है इंडिया की अल्लाह ना करें इट गेट्स वायलेंट अल्लाह करे दंडियन स्टेट हीस अल्लाह खैर करे आई uh, होप अमृतपाल सिंह जो है वो सेफ रहे उसकी कोई हार्म ना आए जो स्टेट है वो उसको उसके साथ प्रॉपरली एक ह्यूमेन तरीके से सलूक करे यार अनफॉर्चुनेटली एज एज आई विश द सेम इट इज एन एस ए लगाना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना इनफोर्ट अपीरेंस करना ये ड्रामा रचाना इज इंडिकेटिव ऑफ द ऑपोजिट कि वो कुछ उल्टा ही करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं तो मैं कहूँगा बल्कि दुआ में आपकी फ़र्क करूँगा कि अल्लाह उसकी हिफाजत you know, right अल्ला ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही थी इट हैज़ ऑल बिन फॉर नॉट वो आलम अल्लाह जानते पता नहीं कैसे उन्होंने मगर जो ये पंजाबी इलाका है जो पंजाबी लोग हैं जो सिख हैं उनको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे एंड uh, इस पर मजीद हम डिस्कशन करते रहेंगे इनशा थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट आई थिंक समझने की जरूरत है नेक्स्ट कॉन्सेशन में हम डिटेल uh, में जाएंगे कि पंजाब की कल्चरल आगे बात आइडेंटिटी किस तरह फॉर्म हुई और ख़ालिस्तान का क्या है? इसके अंदर रोल है और कॉम का होपफुली इस डिस्कशन से थोड़ा पाकिस्तान आवाम को भी थोड़ी अवेयरनेस है अक्रॉस द बॉर्डर किसके साथ ही भाई आपकी हैं उनके साथ ये कारनामे हो रहे हैं इंडियन स्टेट की जानब से कश्मीर के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो सिमिलरली हमारा हक हाँ बनता है कि हम रिलीजन की बेसिस पर पार्टीज़न ना होएं कि भाई वो मुस्लिम है तो हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं सिखों के साथ भी बहुत एक ज्याती वाला मामला हो रहा है पंजाब के अंदर भी थैंक्स फॉर कमिंग थैंक्स फॉर रैपिंग